हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी स्वागत करते हैं भाई आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो में। अभी आ चुके हैं कालरा किया शोरूम, जो कि हजारीबाग झारखंड में अवेलेबल है। भाई अब आपके हजारीबाग शोरूम में कालरा किया शोरूम ओपन हो चुका है, जहां पे किया के रिलेटेड कोई भी गाड़ियों का इंक्वायरीज करनी हो या फिर सेल्स या सर्विस की इंक्वायरीज करनी हो तो भाई ये रहा वीडियो में नंबर और एड्रेस डिटेल, जिसके थ्रू आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं। भाई इस शोरूम से मैं किया का जिस गाड़ी का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप कैरेंस की एक न्यू वेरियंट ग्रेविटी मॉडल देख पाएंगे, जो कि यहाँ पे ग्रेविटी ग्रे कलर के साथ लगी है। इस वीडियो में मैं आज इसकी सारी फीचर्स कवर करूंगा, साथ में इसकी प्राइस क्या होने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वैल्यू फॉर एक मनी वाली वेरिएंट है, तो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाली है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मॉडल के साथ जाओगे तो ये सारे कलर अवेलेबल होने वाली है, साथ में ये पेट्रोल मैनुअल के साथ लगी है। इसे टर्बो पेट्रोल या डीजल में लेने का प्लान करते हैं तो वहां भी आप इस वेरिएंट को ले सकते हैं। अब बिना देरी के हुए चलते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट के फेसिया में और इसकी फीचर्स को वहीं से स्टार्ट करेंगे कि इस 7 सीटर में आपको क्या क्या मिलने वाली है। तो भाई आ चुके गाड़ी के फ्रंट के फेसिया में, तो एक बार आप इसकी लुक देखो यार, टाइगर फेस के साथ इसकी लुक होने वाली है। देन गाड़ी के ग्रिल में आओगे तो यहाँ पे डिजिटल रेडिएटर ग्रिल होती है, जो कि पियानो ब्लैक कलर के साथ है। भाई यहाँ पे डिजाइनिंग देखो यार, काफी अच्छी है, एज अ प्रीमियम आपको फील करवाएगी। देन अप साइड में किया का लोगो। लेफ्ट फेंडर से स्टार्ट करेंगे तो पूरी तरह से राइट फेंडर में सिल्वर की काफी अच्छी इंसर्ट यहाँ पे की गई है। भाई अपर के वेरियंट में इस जगह पे DRL मिलती है, लेकिन यहाँ पे हालांकि डमी दी गई है, इस वेरियंट में DRL की प्लेसिंग नहीं होती है। और इसके हेडलैम्प सेटअप में आएंगे तो भाई रिफ्लेक्टर बल्ब के साथ आपको मिलेंगे, जहाँ पे हाई बीम लो बीम की प्लेसिंग, साथ में गाड़ी की टर्न इंडिकेटर। अब इसके लोअर रेडिएटर ग्रिल में आएंगे तो जिसकी डिजाइनिंग आप यहाँ पे देख पा रहे, साथ में अच्छी बात है काफी अच्छे सिल्वर की डिजाइनिंग दी गई है। डायमंड जो 3D वाली टेक्सचर है यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो कि इसे प्रीमियम बनाती है। भाई इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को टो करनी है तो यहाँ से फ्रंट से कर पाएंगे। हालांकि जो इसकी फ्रंट की स्कीड प्लेट है वो ब्लैक आउट के साथ मिलेंगे और कुछ इस टाइप की एरोडायनेमिक इसकी डिजाइनिंग को रखा गया है। अब आते हैं भाई गाड़ी के अपर के बोनेट के डिजाइनिंग में, तो काफी अच्छी कर्व डिजाइनिंग मिलती है, जो कि इसके लुक को तो प्रीमियम बनाती है, लेकिन इसके साथ गाड़ी को ये एरोडायनेमिक भी बना के रखती है। अब आते हैं भाई गाड़ी के साइड के फेसिया में, तो यहाँ पे देखो भाई ये 7 सीटर के साथ है, तो इसकी लेंथ काफी अच्छी है, व्हील बेस भी अच्छी रखी गई है, 2780 mm के साथ इसकी व्हील बेस है, ताकि जो है आपको सेकंड रो में और जो थर्ड रो में स्पेस लेगर स्पेस काफी अच्छी मिले। तो देन अब इस गाड़ी की डायमेंशन की बात करेंगे तो वो आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। आते हैं भाई गाड़ी के ORBM में, तो ये बॉडी कलर के साथ है, LED टर्न इंडिकेटर होने वाली है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORBM है, फोल्ड इसे मैनुअली रूप से करनी पड़ेगी। डोर हैंडल की बात करेंगे तो ये भी बॉडी कलर के साथ है, भाई मैनुअली रूप से की के थ्रू गाड़ी को लॉक अनलॉक करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देन इसकी एक्चुअल की बात करेंगे तो भाई एक फ्लिप की मिलने वाली है, जो कि 2 यहाँ पे होने वाली है, पीछे किया के ब्रांडिंग होने वाली है। भाई इसकी जो बटन है वो साइड में मिलती है, काफी अच्छी क्रोम के साथ है, ये मेटल के साथ है, जहाँ पे गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। ये होल्ड वाली बटन से बूट को एक्सेस करनी है तो उसे आप कर पाएंगे। भाई इसकी जो की है एज अ प्रीमियम आपको किया कैरेंस जैसा फील करवाती है, और जब भी इस गाड़ी को लॉक करते हैं या अनलॉक करते हैं तो कुछ इस टाइप की आपको साउंड आने वाली है, ताकि ये आप कंफर्म हो सके कि आपकी गाड़ी लॉक हुई है या अनलॉक हुई है। ORBM के नीचे आएंगे तो भाई यहाँ पे देखो यार, ये ग्रेविटी वेरियंट है, तो लेफ्ट और राइट के फेंडर में यहाँ पे ग्रेविटी की ब्रांडिंग होने वाली है, तो ये अच्छी चीज लगती है। देन यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ इसकी क्लैडिंग होने वाली है, जो गाड़ी को मेजर स्क्रेचेस वाटर और डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखती है। भाई यहाँ पे देखो यार, जो 3D वाली डायमंड कट जो टेक्सचर है यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, ये प्रीमियम लगती है भाई, ये अच्छी चीज़ है। अब आते भाई गाड़ी के टायर के सेक्शन में, तो यहाँ पे ब्लैक पेंटेड स्टील रिम होने वाली है, जहाँ पे एक व्हील कवर सिल्वर के साथ है, ये मल्टी स्पोक है, अच्छी लगती है भाई। JK कंपनी की टायर होने वाली है, 195/65 R15 की टायर रखी गई है, और प्लस पॉइंट ये हो जाती है भाई यहाँ पे ऑल डिस्क ब्रेक मिलती है, तो ब्रेकिंग यहाँ पे अच्छी होने वाली है। देन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 195 mm यहाँ पे रखा गया है। भाई किया कैरेंस की जो इसकी विंडो है ये बिग साइज के साथ आती है, थर्ड रो में जो यहाँ पे क्वार्टर विंडशील्ड मिलती है ये भी काफ़ी अच्छे बिग साइज में है, ताकि अंदर से आपको बैठने के बाद एज अ खुला खुला महसूस हो, ये अच्छी चीज़ है। साथ में भाई ये ग्रेविटी वेरिएंट में सनरूफ भी मिलती है, जो कि अप साइड में देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक सनरूफ है, लेंथ अच्छी है, बड़े लोग आराम से खड़े हो पाएंगे। देन पीछे आते हैं भाई, इसकी सार्फिन एंटीना होने वाली है और दोनों साइड में ब्लैक कलर के बीट भी होंगे। अब इसकी फ्यूलिड को ओपन करेंगे तो भाई 45 लीटर की पेट्रोल टैंक यहाँ पे आपको मिलेंगे, जहाँ पे एथेनॉल की मात्रा अब जो है 20% अप टू कर दी गई है। अब आ चुके हैं भाई गाड़ी के बैक प्रोफाइल में, तो भाई बैक लुक भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, एज अ प्रीमियम आपको फील करवाने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे कैरेंस की ब्रांडिंग होने वाली है, किया का ब्रांडिंग होने वाली है। इसकी टेल लैंप की बात करेंगे तो भाई ये स्टार मैप के साथ आती है, जो कि रेगुलर बल्ब के साथ है। गाड़ी की टर्न इंडिकेटर, इसकी बैकलाइट देख पा रहे होंगे, लेकिन इसकी लाइटिंग और नाइट के
टाइम पे विजिबिलिटी अच्छी है, ये प्लस पॉइंट है। अपसाइड में आएंगे तो भाई यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर होने वाली है, हाई माउंट स्टॉप लैंप इस वेरिएंट में। वाइपर डिफोकर आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन अच्छी चीज़ है भाई। जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो यार, बैक कैमरा आपको मिलती है, ये प्रॉपर है। देन पीछे चार पार्किंग सेंसर, गाड़ी के रिफ्लेक्टर, भाई डायमंड कट जो यहाँ पे 3D वाली टेक्सचर है बैक में भी आपको मिलती है। पीछे की बम्पर देखो यार, ब्लैक कलर के साथ रखा गया है। देन गाड़ी की जो स्टेपनी है वो नीचे प्लेसिंग कर दी गई है, भाई 7-सीटर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जॉस्ट की प्लेसिंग आपको राइट साइड में मिलेंगे। भाई अप साइड में यहाँ पे प्लेसिंग राइट साइड में किया गया, ये अच्छी चीज़ है भाई, नीचे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब इसके बूट को ओपन करते हैं तो एक रिक्वेस्ट सेंसर है जिसके थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हैं। देन जैसे अप साइड में आओगे, हैंडल ग्रिप भी आपको मिलेंगे और ये ऑल ब्लैक कलर के साथ कवर किया गया है। देन इसकी बूट स्पेस की बात करेंगे तो भाई 216 लीटर के साथ आती है। भाई 7-सीटर होने के बाद भी यहाँ पे बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है। देन इसे जैसे ओपन करोगे तो इनसाइड में भी डेप्थ में आपको स्पेस मिलने वाली है। छोटे मोटे चीज़ अगर कैरी करनी है तो यहाँ पे भी आप कर पाएंगे। दोनों साइड में टोइंग हुक भी आपको मिलेंगे। और बूट स्पेस को बढ़ाना है तो भाई थर्ड रो को जो है वो 50-50% में फोल्ड कर सकते हैं, और भाई ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है तो बूट स्पेस और भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये अच्छी चीज़ है भाई 50-50 फोल्डेबल के साथ। और इसके सीट को रिक्लाइंड भी आप कर सकते हैं। पीछे हेडरेस्ट भी हाइट एडजस्टेबल आपको मिलेंगे। गाड़ी की जो जैक है, टूलकिट है, सारी चीज़ें यहीं पे मिलेंगे। स्टीपनी को जो ओपन करना है यहाँ से ओपन कर पाएंगे। अब आते हैं भाई गाड़ी के सेकंड रो में, जहाँ पे थर्ड रो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी सीट की। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेविटी वेरिएंट लेंगे तो इसकी जो सीट है वो लेदर के साथ है, जो कि प्रीमियम ब्लैक कलर के साथ मिलती है। भाई ये ऐसा काफ़ी अच्छी कुशन के साथ है और इसकी सॉफ्ट टच भी अच्छी रखी गई है। अब इसकी सेकंड रो की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे 60-40 फोल्डेबल सीट होने वाली है। इसके साथ बीच में एक आर्मरेस्ट भी मिलने वाली है। सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन करनी है तो वो भी इजी वे में आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखो यार, वन टच आपको टम्बल डाउन मिलती है, वो भी इलेक्ट्रिक। ये यूनिक बनाती है भाई, हर एक गाड़ियों में टम्बल डाउन तो मिलती है लेकिन यहाँ पे वन टच डाउन इलेक्ट्रिक टम्बल डाउन है, ये इसे प्रीमियम बनाती है, वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। हेडरेस्ट की बात करेंगे तो ये हाइट एडजस्टेबल के साथ है, ये भी आपको प्रीमियम यहाँ पे मिलेंगे। अब इसकी सेकंड रो की लेग स्पेस की बात करेंगे तो को ड्राइवर सीट को अपने हाइट के अनुसार मैंने पीछे किया। मेरी जो हाइट है वो 5.4 है, लेकिन फिर भी देखो भाई सेकंड रो में लेग स्पेस प्रॉपर यहाँ पे आपको मिलता है। सीट को आगे पीछे रिक्लाइन भी कर सकते हैं। थाई सपोर्ट भी यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलने वाली है। देन यहाँ पे एसी वेंट की कंट्रोल जहाँ पे सिल्वर इंसर्ट की गई है। नीचे आएंगे तो भाई यहाँ पे टाइप सी जो चार्जर है वो फास्ट आपको मिलती है, जहाँ पे यहाँ पे ये दो होने वाली है। फ़ोन यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। और इसकी फ्लोर भाई देखो, ये पूरी तरह से फ्लैट मिलती है ताकि मिडिल में जो बैठेंगे वो कंफर्टेबल होकर बैठ पाएं। इसकी सीट कैपेसिटी की बात करेंगे सेकंड रो की तो भाई यहाँ पे 3 लोग आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। देन ऊपर में आएंगे, जो इसकी रीडिंग लैंप है वो LED के साथ है। रूफ टॉप माउंटेड AC वेंट है, ये सेकंड रो के लिए ये अच्छी चीज़ है। दोनों साइड में सॉफ्ट हैंडल ग्रिप कोट होल्डर, ये भी और प्लस पॉइंट इसे बना देती है। और सेकंड रो से सनरूफ की व्यू देखें तो कुछ इस टाइप की होने वाली है। भाई लेंथ अच्छी है, विड्थ अच्छी है ताकि बड़े लोग आराम से इजी वे में कंफर्टेबल होकर खड़े हो पाएंगे। इस ग्रेविटी वेरिएंट में ये जो सनरूफ आप देख पा रहे होंगे ये एक्स्ट्रा मिलता है। साथ में ये जो प्रीमियम ब्लैक कलर की लेदर सीट देख पा रहे होंगे ये ग्रेविटी वेरिएंट में आपको एडिशनल मिलता है। अब को ड्राइवर सीट के बैक में आएंगे तो पॉकेट होल्डर ड्राइवर के साइड में भी सेम आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के रियर डोर स्ट्रिम्स की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको फीचर्स मिलने वाली जो कि काफ़ी अच्छी है। देन सबसे पहले ये डुअल टोन के साथ होने वाली है, सिल्वर इंसर्ट यहाँ पे मिलेंगे। इसके नॉब में भी आपको सिल्वर इंसर्ट मिलने वाली है। भाई स्पेस काफ़ी अच्छी है जहाँ पे कुछ कैरी करनी है। और ये पूरी तरह से भाई लेदर सॉफ्ट टच के साथ है जो कि वाइट थीम के साथ आने वाली है। पीछे पावर विंडोज, नीचे आपको स्पीकर्स मिलने वाली है। भाई नीचे मैगजीन बोतल वगैरह कैरी करना तो इजी वे में रख पाएंगे। अब इस डोर की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई यहाँ पे रियर सनसेट आपको मिलती है जो कि इस ग्रेविटी वेरिएंट में मिलने वाली है। ये अच्छी चीज़ है भाई, ये इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे जो धूप वाले एरिया में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के थर्ड रो में, तो सेकेंड रो की जो सीट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन से इसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद देखो भाई ये ऑटोमेटिक टिल्ट हो जाती है और ये फोल्ड होके आगे चली जाती है, जहाँ पे कुछ इस टाइप की स्पेस बनने वाली है जिसके थ्रू आप गाड़ी के थर्ड रो में जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, गाड़ी के थर्ड रो को भी अगर आपको पीछे के साइड में टिल्ट करनी है तो भाई यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस बनती है। भाई कंफर्टेबल तो भरपूर यहाँ पे मिलती है, दोनों हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल के साथ है। 60-40 फोल्डेबल नहीं है भाई, ये पूरी तरह से 50-50 फोल्डेबल आपको मिलेंगे। पीछे भी सीट की जो कंफर्ट है वो अच्छी रखी गई है। थर्ड रो के रूफ टॉप में आओगे तो ये जो LED मैप लैंप आप देख पा रहे हैं, साथ में ये AC वेंट जो है वो काफ़ी अच्छी है। भाई ये जो LED लैंप आप देख पा रहे हैं जो कि सेकंड रो में भी है, भाई इस ग्रेविटी वेरिएंट में आपको एडिशनल मिलती है जो कि इसे प्रीमियम बनाती है। और इसकी क्वार्टर विंडशील्ड की साइज भी अच्छी है ताकि पीछे अगर आप बैठते हैं तो खुला खुला महसूस हो। देन यहाँ पे देखो यार, दोनों
साइड में आपको बोतल होल्डर मिलने वाली है, साइड में फ़ोन रखनी है, दोनों साइड में भाई टाइप सी चार्जर मिलती है जहाँ पे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे, और ये भाई फास्ट सपोर्ट करती है, ये प्रीमियम इसे बनाती है। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, गाड़ी की थर्ड रो की लेग स्पेस। तो यहाँ पे देखो भाई, स्पेस काफ़ी अच्छी मिलती है भाई, अडल्ट लोग भी चाहेंगे तो आराम से पैर फैला के बैठ पाएंगे। थोड़ा सा आपको थाई सपोर्ट में कमी महसूस होगा, लेकिन लेग स्पेस में नी रूम में किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। बस करना कुछ नहीं है, अपने हाइट के अनुसार ड्राइवर को ड्राइवर सीट को आगे करना है, और उसके बाद यहाँ पे स्पेस प्रॉपर बनती है भाई। स्पेस में थर्ड रो में अडल्ट भी बैठ पाएंगे, इसके लिए मैं एक प्लस पॉइंट देता हूँ। और ये याद रखना भाई, ये किया की गाड़ी है, तो यहाँ पे ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलने वाली है, चाहे वो फर्स्ट रो हो, सेकेंड रो या थर्ड रो। तो सीट बेल्ट लगाना यहाँ पे हर एक रो में मैंडेटरी हो जाती है, जब तक आप लगाएंगे नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो चीज़ आपको सिंबल भी दिखाएगा और बीप की साउंड भी आपको सुनाई देने वाला है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट के इंटीरियर में। तो एक बार आप इसकी डैशबोर्ड देखो भाई, प्रीमियम ने इसकी सारी फीचर्स आपको मिलने वाली है, और देखने में ये प्रीमियम आपको फील करवाएगी। इसकी सारी फीचर्स मैं आपको आगे बताऊंगा, सबसे पहले आते हैं गाड़ी के ड्राइवर्स डोर में। तो यहाँ पे भी आपको डुअल टोन के साथ होने वाली है, नीचे स्पीकर्स आपको मिलेंगे, ऊपर में आपको ट्रेटर्स मिलने वाली है, सिल्वर इंसर्ट इसके नॉप, और यहाँ पे भी आपको मिलेंगे ब्लू कलर की जो इसकी डोर स्ट्रिम्स में, ये यहाँ पे फ्रंट के डोर्स में मिलती है, जो कि इसे और भी प्रीमियम बनाती है। सॉफ्ट टच की बात की जाए तो ये लेदर के साथ है, ये अच्छी लगती है। चारों पावर विंडोज होने वाली है, पीछे का पावर विंडोज को लॉक करनी है, सेंटर लॉकिंग ORVM को अगर इलेक्ट्रिक रूप से एडजस्ट करनी है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। नीचे किया कोइन कैरी करनी है, देन यहाँ पे बोतल होल्डर मिलने वाली है, अम्ब्रेला होल्डर है, ये अच्छी चीज़ है, ये प्लस पॉइंट इसे बनाती है। आते हैं भाई अब गाड़ी के ड्राइवर सीट में। तो यहाँ पे देखो यार, ये लेदर के साथ तो है लेकिन सिल्वर स्टिचिंग है यहाँ पे इसे मिलने वाली है, जो कि इसे प्रीमियम बनाने वाली है। देन इसकी सीटिंग पोजीशन अच्छी है, ताकि लॉन्ग ड्राइव में आपकी राइडिंग अच्छी हो और कॉर्निंग में इसकी कंफर्ट अच्छी हो। देन सबसे पहले गाड़ी की थाई सपोर्ट की बात करेंगे तो ये अच्छी होने वाली है। शोल्डर सपोर्ट ये प्रॉपर आपको हग करके रखती है। हेड रेस्ट की बात करेंगे तो ये हाइट एडजस्टेबल है, दोनों सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन करनी है तो ईजी वे में आप कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे आपको मिलेंगे। भाई ये किया कैरेंस है, तो यहाँ पे 6 एयरबैग मिलती है, जहाँ पे साइड एयरबैग देख पा रहे होंगे। बेस वेरिएंट लो या टॉप एंड वेरिएंट लो, 6 एयरबैग है। एयरबैग के तौर पे सेफ्टी में किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज इस वेरिएंट में नहीं किया गया है। अब आते हैं भाई गाड़ी के स्टेयरिंग में। तो इस ग्रेविटी वेरियंट में जो अपडेट होने वाली है, यहाँ पे स्टेयरिंग में किया गया, ये जो स्टेयरिंग आप लेदर के साथ देख पा रहे होंगे भाई, इस वेरियंट में आपको मिलने वाली है, जहाँ पे ये 3 स्पोक के साथ सिल्वर इंसर्ट की गई है। भाई ये डी कट के साथ भी इस ग्रेविटी वेरियंट में मिलेगी, जहाँ पे यहाँ पे कैरेंस की ब्रांडिंग आप देख पा रहेंगे लेफ्ट और राइट साइड में। यहाँ पे देखो यार, सारी बटन्स है जिसके थ्रू आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सिल्वर इंसर्ट यहाँ पे भी मिलेंगे, देन बीच में यहाँ पे आप कंपनी की लोगो देख पा रहेंगे। इसके साउंड सुनो यार, वही क्रेटा जैसा आपको यहाँ पे फील करवाने वाली है। एयरबैग जो है वो स्टेयरिंग्स में आपको मिलेंगे। देन ये जो स्टेयरिंग है, ये पावर विड्थ आपको टिल्ट मिलेंगे, टेलीस्कोपिक यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं भाई लेफ्ट साइड में। तो ऑडियो माउंटेड कंट्रोल है, जहाँ पे वॉइस कमांड मोड वाली बटन्स मिलती है, यहाँ पे कॉल रिसीव करनी है, कट करनी है, म्यूट करनी है, सारी चीज़ आपको मिलती है। भाई राइट साइड में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं है, ये MID के कंट्रोल है, जहाँ पे आप MID को कंट्रोल कर पाएंगे। राइट साइड में इसकी लाइटिंग की नॉब होने वाली है, लेफ्ट साइड में इसकी वाइपर की नॉब होगी। अब डैशबोर्ड के राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे देखो यार, ग्रे विथ सिल्वर इंसर्ट यहाँ पे लाइनिंग मिलने वाली है। लाइट लेबलिंग के स्विचेस होने वाली है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप की फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्यूज जो बॉक्स है भाई यहाँ पे मिलने वाली है। बोनेट को आप इस लेवर से ओपन कर सकते हैं। देन इसकी भाई तीनों लेवर देखो यार, ये पूरी तरह से रबर कवर होने वाली है। एक डेडिकेटेड आपको फुटरेस्ट भी मिलेंगे, हालांकि इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है। भाई फ्यूल लिड को ओपन करना है तो इस लेवर से कर पाएंगे। अब आते हैं भाई गाड़ी के डैशबोर्ड में। तो भाई यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग एंड सिल्वर इंसर्ट जो है यहाँ पे ऐसा मिलती है, जो कि प्रीमियम बनाती है। भाई परफ्यूम जो है यहाँ पे रखनी है। स्पेस देखो भाई, यहाँ पे पर्टिकुलर बनाया गया है। ग्लो बॉक्स की बात करेंगे तो भाई ये भी आपको अच्छा मिलता है, हालांकि ये कूल नहीं है। गाड़ी की मैनुअल बुक को जिस टाइप से आपको मिलती है, जो कि इसे और भी प्रीमियम बनाएगी। देन गाड़ी की म्यूज़िक की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे 8 इंच की टच स्क्रीन होने वाली है। भाई ऑडियो वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, 4 स्पीकर 2 ट्यूटर्स के साथ मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले की सारी कनेक्टिविटी होने वाली है। ऑल मेन्यू में अगर आप जाते हैं तो फोन प्रोजेक्शन वॉइस मेन्यू मिलने वाला है, रेडियो है, मीडिया है, बैक कैमरा देखना, क्विट मोड है, सेटिंग्स सब कुछ आपको मिलती है भाई ज़रूरत की, और इसे मल्टी लैंग्वेज के साथ ऑपरेट कर पाएंगे। अब इसकी बैक कैमरा की बात करेंगे तो भाई इसकी क्वालिटी देखो यार, प्रॉपर आपको मिलती है, क्वालिटी ठीक रखी गई है। और भाई ये स्टीयरिंग के साथ आपको मूवमेंट होती है, जो कि और भी इसे प्रीमियम बनाएगी। ओवरऑल इसकी ऑडियो वीडियो की क्वालिटी अच्छी है। देन इसकी सारी नॉब, इसकी टच की बटन, जिसके थ्रू आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। अब नीचे आओगे तो भाई इसकी हैजार्ड लाइट के बटन्स, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल होने वाली है, जिसकी नॉब आप देख पा रहेंगे। USB 12W 180 वाट फास्ट चार्जर आपको मिलने वाली है, टाइप सी चार्जर होने वाली है, हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसे एक्टिवेट करेंगे
या ऑफ करेंगे तो यहाँ पे MID में आपको दिखने वाली है। देन काफ़ी अच्छे सिल्वर इंसर्ट यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे फ़ोन कैरी कर पाएंगे। गाड़ी के गियर्स में आएंगे तो अभी पेट्रोल मैनुअल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 6 विथ एक रिवर्स के साथ ये होगा। देन ये पूरी तरह से लेदर कवर किया गया है। देन पियानो ब्लैक विथ यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट मिलने वाली है, 2 कप होल्डर होने वाली है। भाई आर्मरेस्ट है, अच्छी चीज़ है, ये फिक्स आपको मिलेंगे। देन इसे ओपन करेंगे तो की या कोइन कैरी करना है। देन इसे और भी ओपन करेंगे तो डेप्थ में स्पेस अच्छी है, पर्सनल चीज़ आप वहाँ पे कैरी कर सकते हैं, देन इसे लगा सकते हैं। हालांकि ये स्लाइडेबल होती तो और अच्छी हो जाती है। आते हैं भाई गाड़ी के MID में, तो यहाँ पे देखो भाई, इसे जब भी ऑफ करोगे तो कुछ इस टाइप की आपको गुड बाई आपको साउंड होने वाली है। देन डोर्स ओपन है। देन ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो भाई, डिजिटल आपको क्लस्टर मिलती है जो कि TFT के साथ है, प्रीमियम आपको फील करवाने वाली है। लेफ्ट साइड में गाड़ी में फ्यूल कितनी है, स्पीडोमीटर मिलने वाली है, टेम्परेचर क्या है, गाड़ी कितनी चली है, स्लीपिंग मोड में गाड़ी की बैटरी कितनी परसेंट चार्ज है वो देख सकते हैं, रेंज आप देख सकते हैं, स्पीडोमीटर यहाँ पे बताने वाली है, टेम्परेचर गाड़ी की हीट कितनी हुई है इंजन की वो आप देख सकते हैं, ज़रूरत की सारी चीज़ें। देन स्टेयरिंग में MID के कंट्रोल्स मिलती है, जिसे चेंज करेंगे तो ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यूज़र सेटिंग में ड्राइविंग असिस्ट है, क्लस्टर है, लाइटिंग है, डोर है, कन्वीनियंस है, सब कुछ आपको मिलेंगे। देन अच्छी बात है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे आपको मिलेंगे, सिंस रिफ्यूलिंग में गाड़ी में कब डलवा है, कितना चला है, कितना टाइम हो चुका है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो भाई ये डिजिटल है, कलर के साथ है, प्रीमियम तो लगती है, ज़रूरत की सारी फीचर्स भी एडिट किए गए हैं। देन को ड्राइवर सीट के अपना हो गए तो सॉफ्ट हैंडल ग्रिप होने वाली है, इधर वैनिटी मिरर मिलने वाली है। देन यहाँ पे भी जो लाइट है वो इस वेरिएंट में एक्स्ट्रा आपको मिलती है, जो कि LED के साथ है। सनग्लासेस होल्डर होने वाली है। ऑल सीट पर रिमाइंडर यहाँ पे आपको दिखाने वाली है, सनरूफ को क्लोज करनी ओपन करनी यहीं से आप कर सकते हैं। भाई ड्राइवर के साइड से सनरूफ की व्यू कुछ उस टाइप की आपको यहाँ पे मिलेगा। भाई यहाँ से भी आपको ऐसा खुला खुला महसूस होगा जब इसे आप ओपन करोगे। अब इसकी जो IRVM है वो डे नाइट के साथ है, ड्राइवर के साइड में टिकट होल्डर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी की सबसे अच्छी फीचर्स जो कि यहाँ पे इस ग्रेविटी वेरिएंट में मिलने वाली है। यहाँ पे देखो भाई डैश कैम मिलता है जो कि डुअल कैमरा के साथ मिलने वाली है। स्टार्टिंग जो कैमरा है वो केबिन का वीडियो रिकॉर्ड करता है और दूसरा जो कैमरा भाई फ्रंट का रिकॉर्ड करने वाला है। इसमें आपको मेमोरी जो है साइड में लगानी है और यहाँ पे एक डिस्प्ले भी मिलती है जिसके थ्रू आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे अभी रीड करो भाई, SD कार्ड इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, वो लगाने के लिए बोल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है भाई, कभी भी इमरजेंसी केसेस पे, कभी भी ऐसा सिचुएशन हो, पैनिक हो, जहाँ पे आपकी गलती ना हो, तो एक सबूत होगा इस वीडियो के थ्रू कि अगर कभी भी एक्सीडेंट हो तो वहाँ पे आपने गलती नहीं किया। ये अच्छी चीज़ है भाई जो कंपनी फिटेड इस ग्रेविटी वेरिएंट में मिलता है, ये प्लस पॉइंट हो जाती है, अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में। ये पेट्रोल मैनुअल के साथ लगी है तो इसकी पावर टॉर्क क्या है, इस गाड़ी की माइलेज क्या होने वाली है। और भाई ग्रेविटी वेरिएंट है जिसकी एक्स शोरूम 12,09,900 के आसपास पड़ती है। अब बात करेंगे इसे हजारीबाग किया शोरूम से लेंगे तो ऑन रोड यहाँ पे क्या पड़ेगा, वो भी चीज़ मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। आ चुके हैं भाई गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे इसकी इंसुलेशन मिसिंग होने वाली है। ये होती तो अच्छी चीज़ होती क्योंकि ये हीट और नॉइज़ को एब्जॉर्ब करती है इंजन के। हालांकि ये 4 सिलेंडर की इंजन है तो टेंशन नहीं लेना, नॉइज़ यहाँ पे आपको नाक के बराबर भी मिलेगा। कहने का मतलब है जब भी गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो वाइब्रेशन आपको फील नहीं होने वाली है। अब इसकी इंजन और इसकी सारी कॉम्पोनेंट्स की प्लेसिंग आप देख पा रही है। हालांकि बैटरी जो है ये पूरी तरह से कवर है, तो कौन सी कंपनी की है ये चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ब्रेकिंग के सारे सिस्टम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। देन नीचे इसके इंजन प्रोटेक्टर होने वाली है जो कि इंजन को मेजर स्क्रेचेस, वाटर और डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखती है। भाई यहाँ पे देखो यार, कार्बन फाइबर की जो टेक्सचर है यहाँ पे भी इंजन के कवर में मिलती है, ये देखने में अच्छी लगती है। अब इसके इंजन की बात करेंगे तो ये स्मार्ट स्ट्रीम 1.5 लीटर 1500 cc की इंजन होने वाली है जो कि 4 सिलेंडर के साथ है। नॉइजी तो आपको फील नहीं होने वाली है, लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी की पावर टॉर्क भी अच्छी मिलती है, जो कि डिस्प्ले में आप इसकी मैक्स पावर टॉर्क आप देख पा रहे होंगे। भाई किया कैरेंस लेते हैं तो यहाँ पे जो वारंटी मिलने वाली है वो 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की कवरेज होती है। वारंटी एक्सटेंड करना है तो टोटल 5 साल तक यहाँ पे आप इजी वे में कर पाएंगे। अब बात करते हैं भाई इसकी सेफ्टी की, तो 15+ स्टैंडर्ड फीचर्स आपको मिलने वाली है जो कि हर एक वेरिएंट में मिलती है, लेकिन इस वेरिएंट के साथ जाओगे तो ये अच्छी चीज़ है भाई। यहाँ पे डैश कैम होने वाली है, 6 एयरबैग होती है, फ्रंट वर्ड डस्क, पीछे ड्रम ब्रेक मिलती है। बैक प्रोफाइल में आओगे तो पार्किंग सेंसर विद कैमरा होने वाली है, 6 एयरबैग मिलती है, ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर होने वाली है, आइसोफिक्स सेल्फ लॉक होती है। भाई डैश कैम मिलती है, ये इसे प्लस पॉइंट बना देती है, जो कि डुअल कैमरा के साथ है, ये अच्छी चीज़ है। और भाई कैरेंस लेते हैं तो इसे NCAP ग्लोबल में 3-स्टार रेटिंग मिली है, तो सेफ्टी में टेंशन नहीं लेना है भाई, आप अपने फैमिली के लिए लो या किसी पर्पज़ पे लो, सेफ्टी आपको नंबर 1 मिलती है, 3-स्टार मिली है, सेफ्टी अच्छी है। अब बात करते हैं भाई ये 7-सीटर कार है तो यहाँ पे आपको माइलेज क्या मिलने वाली है। तो इसे सिटी में ड्राइव करोगे तो वही 14-15, और इसे अगर आप हाईवे में ड्राइव करोगे तो 16-17 यहाँ
यहाँ पे मिलने वाली है। हालांकि जो माइलेज है वो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आप गाड़ी किस टाइप से चला रहे हैं और गाड़ी की कंडीशन क्या है। अब बात कर लेते हैं भाई किया कैरेंस की ग्रेविटी वेरियंट लेते हैं, जो कि फ्रंट में आप पेट्रोल मैनुअल के साथ देख पा रहे हैं। तो इसकी जो एक्स शोरूम है वो 12,09,900 के आसपास पड़ती है और इसे हजारीबाग कालरा किया शोरूम से लेते हैं जो कि झारखंड में अवेलेबल है। भाई शोरूम की डिटेल आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। और भाई कॉन्टेक्ट करना है तो यहाँ पे सेल्स सर्विस स्पेयर को लेकर आप कॉल कर सकते हैं, ये रहा कॉन्टेक्ट डिटेल। देन इसकी जो ऑन रोड है भाई वो 14,10,000 के आसपास यहाँ पे पड़ती है। इस ऑन रोड के प्राइस में आप इसे यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे डैश कैम मिलता है, सनरूफ मिलता है, ये प्लस पॉइंट यहाँ पे इसे बना देता है। तो भाई ये रहा इस गाड़ी की सारी फीचर्स, यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड सब कुछ कवर करके बताया। भाई इस ग्रेविटी वेरिएंट को लेने का प्लान करते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये 5 फीचर्स है जो डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है। तो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।